हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कुक टू लिव में। दो दिन से कोई रेसिपी पोस्ट नहीं कर पाई, कोई पारिवारिक वजह थी। आज आपके सेवा में हाजिर हूँ। पनीर भुर्जी के रोल्स लाई हूँ, तो घर में पनीर फट गया था, दूध पनीर बना था, तो सोचा चलो पनीर भुर्जी का बनाओ। तो पहले भुर्जी बनाई और फिर उसका रोल बनाया, तो और फ्लैक्स सीड के आटे से फुलके बनाए उसके, जो टॉर्टिया। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, फुल ऑफ प्रोटीन। और फ्लैक्स सीड आप जानते हो ओमेगा 3 होता है, बहुत कुछ होता है, हार्ट कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर करता है, सब कुछ करता है, तो बहुत ही हेल्दी है। आप अपने साथ अपने परिवार को जरूर इस तरह की टॉर्टिया बना के खिलाएं। बाजार से हम लाते हैं वो तो मैदे के होते हैं, ठीक है, हम घर में बना रहे हैं तो आप वो डाल लीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसा। आइए हम अपने पनीर भुर्जी रोल बनाते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले पैन में तेल लेंगे और जीरा डाल के प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए, और उनको सौते कर लेंगे। थोड़ी जिंजर ग्रेट करके डालेंगे, पनीर डालेंगे और हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल के सबको आपस में मिक्स कर देंगे। ये घर में जब दूध फट गया था तो उससे बना हुआ छेना है, तो मैंने उसको काम लिया है और उसी के रोल बनाए हैं। पहले उसकी भुर्जी बना ली और उसके बाद उसका रोल बनाएंगे। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और फिर नमक और हल्दी डाल के और थोड़ी सी मिर्च डालकर सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करके और थोड़ा सा कुक करके हमारी भुर्जी तैयार है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्लैक्स सीड बहुत हेल्दी होते हैं और सभी के लिए अच्छे हैं, इसलिए मैं आटे में उसको पीस कर डाल दिया करती हूँ। उसी आटे का हम पतला पतला फलका बेलेंगे और उसको सेक लेंगे। ये रोल्स टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हैं। आप देखिए फ्लैक्स सीड इसमें डले हुए हैं, पनीर है जिसमें कि फुल ऑफ प्रोटीन होता है, तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खाना है। चाहे आप इसको लंच के तौर पर यूज़ करें, चाहे ब्रेकफास्ट पे करें, और चाहे टिफ़िन के लिए बेस्ट रेसिपी है। फॉइल में लपेटें और टिफ़िन में डाल दें, मतलब सब्जी अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं। फुलके सिक जाने के बाद एक फुलका लेंगे और उस पर चटनी, हरी चटनी स्प्रेड कर लेंगे, उसके बाद लेटस को फैला लेंगे और एकदम बीचों बीच पनीर की भुर्जी डाल लेंगे। भुर्जी के ऊपर हम टमाटर प्याज डाल लेंगे जिससे रोल खाते वक्त क्रंच आएगा उनका, और उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। नींबू निचोड़ लेंगे। ये सॉस या टमाटर सॉस जो भी आपको पसंद है वो आप उस पर डाल लें। एक साइड से फुलके को उठाकर एकदम टाइट हम रोल बना लेंगे। टूथपिक लगाकर उसको सील कर देंगे। हमारे फुलके पहले से पकाए हुए हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम इनको वापस सेकें, लेकिन थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए बटर या घी लगाकर या तेल लगाकर जो भी इस रोल को वापस सेक लें तो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है और टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम इनको बनाएंगे। और इसमें पनीर भुर्जी का ज़रूरी नहीं है, घर में पनीर फटा हुआ पड़ा था दूध, तो मैंने उसका यूज़ ले लिया। रोल्स तो हम लोग खाते ही हैं, बहुत तरह की चीज़ों से बनते हैं, आलू के, गोभी के, मर्जी आए जिसके रोल्स बनाइए। बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है रोल्स की और पेट भरा हुआ आइटम है। ऑफिस जाते हुए आदमी लोगों को भी दे सकते हैं और स्कूल में बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, और हम खुद भी लंच के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अपना मनपसंद हिसाब से घी और तेल डालकर इसको हम अब सेकेंगे और सेक कर एल्यूमिनियम फॉइल में पैक कर देंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा। और अगर ताज़ा खाना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तवे को ग्रीस करेंगे और रोल को दोनों तरफ से सेक लेंगे और टूथपिक को हटा देंगे। हमारे यम्मी रोल तैयार हैं। इनको आप खीरे काट कर खीरे के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात अब बोल देती हूँ, एक बार आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छी, अगर आपको अच्छी लगती है मेरी रेसिपीज़
तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिवार को बड़ा करने में मदद करें, आगे आएं, हाथ से हाथ मिलाएं। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।